हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, यदि आप इफको में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। आपको वेतन भी यहाँ अच्छा खासा मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यदि आपने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पास एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन 2018 में या उसके बाद किया है तभी आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने 2016-2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम 30 साल एज रखी गई है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। 1 साल की आपको आपकी ये जो अप्रेंटिसशिप है तो रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद वेतन की अगर बात करें तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। कितनी कंपनियाँ आई जिनमें अप्रेंटिसशिप होती है दोस्तों, तो उनमें अधिकतम आपको जो वेतन है तो 10,000 रुपये ही दिया जाता है। 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये इतना ही आपको वेतन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पास 35,000 रुपये आपको अप्रेंटिसशिप का मिलने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपके 2 पेपर होंगे। यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा, आपके 2 पेपर होंगे। और वो कैसे होंगे? पहला आपका पेपर जो होगा तो आप अपने कंप्यूटर से भी दे सकते हैं, ठीक है, घर बैठे आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे पेपर में आपको एग्जाम सेंटर बताया जाएगा और एग्जाम सेंटर में आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पास सेंटर के नाम देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पास इंटरव्यू भी लिया जाएगा और मेडिकल एग्जाम भी आपका होगा, ठीक है। आप इस पोस्ट के लिए आवेदन 15 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 अगस्त 2022 रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पास आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आप अपने कंप्यूटर से घर बैठे देंगे। यदि आप इसमें शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर बताया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। बात हुई क्लियर? तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।